के डीएम वो एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो सीधे तौर पर इस मीटिंग में जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इन दिनों जो है वो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही है। साफ तौर पे नीतीश कुमार ने आज अपने आवास के भीतर यानी कि मुख्यमंत्री आवास में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते 3 महीने का जो रिपोर्ट है वो भी देना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भूमि सुधार जो 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 नीतीश कुमार का जो जो जनता दरबार लगता था उसमें कई लोग आते थे ज़मीनी विवाद को लेकर, उसको भी लेकर तमाम रिपोर्ट जो है वो आज नीतीश कुमार को सौंपे जाएंगे। तमाम आला अधिकारी जितने हैं वो नीतीश कुमार को बीते 3 महीनों का जो तमाम रिपोर्ट है वो उनके सामने पेश करेंगे। साथ ही साथ मद निषेध यानी कि जो शराबबंदी इन दिन नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार जो है वो कही जाती है। नीतीश कुमार की तुलना जो है वो सुशासन बाबू से की जाती है क्योंकि किसी भी तरह का जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू से काम करते हैं और बिहार की जनता को ये आश्वासन दिए थे कि उनकी सरकार आएगी तो सुशासन की सरकार जो है वो बिल्कुल रहेगी। देखिए, लेकिन इन दिनों जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं जो लगातार घट रहे हैं, जिस तरह से अपराधी जो हैं वो बेलगाम दिख रहे हैं, लगातार अपराध को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं, वो भी दिन दहाड़े। जिस तरह से पटना के बीजी रोड जो है वो बाकरगंज, उसमें अपराधी घुसते हैं और सराफा बाज़ार जो है वहाँ पर सोने की दुकान से कई करोड़ के सोने जो हैं वो लूट लेते हैं। ऐसे में जो लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर है वो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं सिरदर्द बना हुआ है। देखिए, आज मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो है वो एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो है वो चल रही है और ये हाई लेवल मीटिंग जो है ये क्राइम कंट्रोल को लेकर यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। और सीधे तौर पर इस मीटिंग में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, पुलिस अधिकारी व मद निषेध विभाग के तमाम अधिकारी सहित कई आला अधिकारी हैं मौजूद। और साफ तौर पे आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार के डीजीपी हो गए, गृह सचिव हो गए, मुख्य सचिव हो गए, सभी की गाड़ियाँ जो हैं वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री आवास के अंदर जा रही है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे होंगे। और वहीं आपको बता दें कि तमाम ज़िले के डीएम व एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो सीधे तौर पर इस मीटिंग में जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इन दिनों जो है वो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही है। साफ तौर पे नीतीश कुमार ने आज अपने आवास के भीतर यानी कि मुख्यमंत्री आवास में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि बीते 3 महीने का जो रिपोर्ट है वो भी देना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भूमि सुधार जो 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 नीतीश कुमार का जो जो जनता दरबार लगता था उसमें कई लोग आते थे ज़मीनी विवाद को लेकर, उसको भी लेकर तमाम रिपोर्ट जो हैं वो आज नीतीश कुमार को सौंपे जाएंगे। तमाम आला अधिकारी जितने हैं वो नीतीश कुमार को बीते 3 महीनों का जो तमाम रिपोर्ट है वो उनके सामने पेश करेंगे। साथ ही साथ मद निषेध यानी कि जो शराबबंदी इन दिनों जो बिहार में जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ लगातार जहरीली शराब पीने से जो मौतें हैं वो हो रही है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार की पैनी नज़र है। शराबबंदी हो या फिर बालू माफिया हो, तमाम ऐसे चीज़ों पर नकेल कसने की जो कोशिश है वो नीतीश कुमार की चल रही है। तो एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो है बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर मुख्यमंत्री आवास के भीतर चल रही है। साथ ही साथ बिहार के जो डीजीपी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ गृह सचिव, मुख्य सचिव जो हैं और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तमाम बातें जो हैं हम वो आपको सुनवाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज के साथ। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।